घराने वाले तरीना दोस्त भी जी इन्होंने शादी के बैग उस्ताद राम प्रभाव की तासा संत्रयान पे चौधरी यूसुफ साहब यूसुफ जड़े बड़े अच्छी शायरी भी कर रहे हैं ते चौधरी रियाज जबीर साहब वो भी बड़े करीब रहे ते बड़े पुराने दोस्त हैं वाले भी ते जनाब राजा असरार साहब और उसके बाद बड़े अच्छे शेर खान चौधरी गबर साहब अफजाल क्यारी साहब जड़े सभी ए लाइव प्रोग्राम में दस रहे और उस तो बाद आजी अरशद साहब जड़े बड़े वो भी करीब रहे हैं तो हुण जड़े जड़े बदल भी के ना पता मैं उस सारे ना के रसा ए नहीं पता तो तक मैं सोचना शुरू कर दिया मैं सारे ना गया इस वजह कई दफा तो माड़े ये भी पुराने दोस्त है जरा काफी अरसे ने सलाम दवाई है चौधरी रजाकर साहब ते जितने भी प्रात दोस्त आए सब सब सारे के फिर गल काम अपने हैं ते एक चौधरी साजे साहब फिर भी वो बड़े अच्छे शिरफान से माड़े नजदीक दस्यो भी मरुम मखोर जनाब मोहम्मद आरफ साहब ये उन्होंने शागिर्द है अल्लाह तआला उन्हां दी जन्नत बख्श दे एक गल हदीस दे हवाले नाल उस तो बाद साजी रब सर सर पेश कीता जैसी फिर बाद जो कुछ तुसीं जानदे हां इंशाअल्लाह कोशिश कर सके तुसा की अच्छी महफिल चली जाए अगर सेहत रे इजाजत देती रहे क्योंकि सेहत ते बड़ा जरूरी है ना ओ तुसा मिगे तकड़े हो सो किस रहे हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने एक हदीस है ये बनी इसराइल का वाकया हुआ के एक कौम जड़ी है बड़ी गुमराह हुई उन्हें ऐसी बदफेरी शुरू कर दी थी कि उन पर अजाब आ गया तो अल्लाह ताला फरमाया कि जाओ जाके नेस्त नाबूद कर छोड़ो और इस बस्ती की जमीन जिकाड़ी छोड़ो जिस वक्त फरिश्ते उसे जाने तकड़े उगले उस बस्ती ने दरमियान जो नेक बंदा बैठा हुआ कि जेड़ा अल्लाह ने इबादत गुजार उन्हें आख्या वे अल्लाह ने फरमाया सा जाओ तुस बस्ती की जमीन जिकाड़ो ते ए नेक बंदा इसने सेंटर भी जात इसने बारे पूछी की ना कि अब ता इसने बारे जो गबना वे ते जिस वे वो अल्लाह की दरगाह पेश होने पे अल्लाह फरमाया कि इस बंदे की सब तो पहले जमीन जिकाड़ो या अल्लाह वजह आख्या के वजह ए है कि ये सब को जानना सा ये सिर्फ इबादत ही लग रहा है इसकी सही कुछ दसिया नहीं इस वास्ते हजूर ने फरमान भी आप जब तुसा की पवे एक आयत शरीर आ पवे एक आदेश आदेश असली तो ओ दुए दुए पे जाओ के तुसा पर फर्ज है इस वास्ते असा एक क्वेश्चन करने रेड़े आ के असा शेर इस गल नहीं याद कीते वे कुसा के लेट डाउन कर रहा कुसा के नीचा दस रहा ताकि बंदिया दुए अच्छा पैगाम चली जाए अगर एक बंदा भी कदा कुछ राय रास्ते पर आ गया हजूर ने फरमान आ के अगर कोई बंदा जगह कम करी जाना दुनिया में पिछले लोग उसे नकल कर रहे उस बंदे की इस तरह वो सवाब मिला रहा सी अगर कोई बुरा करी जाना तो लोग उसकी तकी बुरा कर रहे उस बंदे की जड़ा कबर गुना इस तरह इजाफा हो रहा सी इस वास्ते जी साड़ी शेरखानी पटवार ने एक बनिया बुजुर्गों ने दरगाह बनाई सी इसने अरफाना कलाम मार्फत दिया गल्ला जड़िया लोगों तुम्हें पहुंचाई जड़ से हर बंदे को कुतरा टैम नहीं होना ना उसने को इल्म होना कि पढ़े तो शायरी का मतलब यह सा इसकी शायरी की फारसी में इल्म है नासे आखने नासे आने नसीहत कर रहे हैं लेकिन जड़ी केड़ी नसीहत जड़ी इसलाह इंतजार रखनी है तो सारे भरा दोस्त इस दफा कलमा पढ़ो तो उस तो बाद असबे रवायत साजिदा तो फिर जो भी जैसे जाने अंदर पेश है इंग्लैंड में जाकर बहुत खेलते
Thank you.
ਹੋ।